जय श्री राधे कृष्ण। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 24। मनेग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कार रूप में धर्मपत्नी के साथ में रहता था। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझे दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पादुके पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य हैं। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचारूं। उग्रदेव बोला, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के और बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है। इसके बाद तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना चाहिए, विभव के होने पर घृत से दीप दान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनघ मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगुदी के तेल से तुम दीप दान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीप दान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में एक मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीप दान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीप दान किया जाए तो क्या कहना है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। योग, दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। कृच्छु, चंद्रायन आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी से कहने लायक नहीं है, यह धन, धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को करने वाला है। वंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीव पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाना को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीप दान करता है वह इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीप दान करता है तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीप दान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीप दान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से दो भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने दो मास बिताया। दो मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीप दान को करते हुए आलस्य छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीप दान करते रहे। इस प्रकार दीप दान करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया।
उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांत करण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे वह वीर बाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागिनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीप दान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीप दान करता है तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीप दान का यह फल कहा है इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृतांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 24 संपूर्ण। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।